दोस्तों YouTube चैनल कैसे बनाएं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मेरा एक वीडियो है 89.8 के, यानी कि लगभग 90,000 यहां पर व्यूज आ चुका है। यानी कि ये लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो मेरा मिलियन में भी चलता है। उसके बाद दोस्तों जैसे हम आपको यहां पर दिखाएंगे, ऑडियंस रिटेंशन यहां पर देखिए 52.5% है, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए 1.3K वॉच टाइम है। यानी दोस्तों आप यहां से समझ सकते हो कि अगर आप अच्छा तरीका से चैनल बनाओगे तो आप यहां से पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको यूट्यूब चैनल का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है उसको कैसे ऑन किया जाता है, एकदम सही तरीका से कैसे यहां पर चैनल को क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, चाहे आप पुराने यूट्यूबर भी हो तब पर भी आपको इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, तभी जाकर के आपको बात समझ में आएगी, आप भी यहां से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको पूरा यहां पर डिटेल आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलर वीडियो, यहाँ पर देखिए मेरा 89,000 जो आपको अभी दिखा रहे थे, यहाँ पर देखिए 83,000 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ओल्डेस्ट वीडियो मेरे को दिखा रहा है कि पुराना वीडियो में कितना व्यूज था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए शॉर्ट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर देखिए पॉपुलर वीडियो में मेरा देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4.7 मिलियन है, 3.2 मिलियन है, उसके बाद 1.6 मिलियन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्विच अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन है, यहाँ पर आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जीमेल आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। दोस्तों आप पुराना जीमेल आईडी यूज नहीं कीजिएगा, हो सकता है आपका उससे चैनल मोनेटाइज ना हो, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई नया चैनल बनाना है तो नया जीमेल आईडी जरूर बनाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, इसमें क्लिक करके देखिए फॉर माई पर्सनल यूज, इसी पर आपको क्लिक करना है क्योंकि हम अपना पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम डालना है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अंजार है और यहाँ पर देखिए ऑप्शनल है खान, हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो मंथ है आपका, जैसे मान लीजिए फरवरी है और यहाँ पर मेरा 21 है, उसके बाद दोस्तों 1994 है तो मैं इसको डाल दिया। और जेंडर में आपको यहाँ पर मेल हम है तो मेल, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए हमको लेना है तो यहाँ पर देखिए अंजर, हम यहाँ पर कुछ ले लेते हैं 7987 और यहाँ पर देखिए हम 1 कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा ले रहा है कि नहीं। आपको तरह तरह का यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर चेक करना होगा, जो भी लेगा आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए मेरे को यहाँ पर आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको 3D पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर देखिए @ है तो यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अंजार हम डाल दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ जैसे कैरेक्टर है 1, 2, 3, 4, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है, उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर #, ऐसा करके आपको यहाँ पर डालना है क्योंकि जो यहाँ पर पासवर्ड बना रहे हैं वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता है, नहीं तो आपका आईडी ही हैक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर एक तगड़ा पासवर्ड डालना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करके आपको मैं आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए रिव्यू योर अकाउंट इन्फो, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाना है, उसके बाद एग्री कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर जीमेल आईडी बन गया, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अंजार खान वाला जो है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है बगल में, इसमें आपको क्लिक करके जो भी आपका चैनल का नाम रखना है, जैसे मान लीजिए मेरा अंजार खान है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंजार खान यहाँ पर मेरा है तो हम इसको लिख सकते हैं ब्लॉग्स, मान लीजिए हम ब्लॉग्स का हम चैनल क्रिएट करके दिखा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हैंडल है, यानी कि जो आपका चैनल हैंडल है उसको आपको कैसे क्रिएट करना है, तो जैसे जो भी आपका चैनल का नाम है उसी को यहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए अंजार हम यहाँ पर लिख देते हैं खान, उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लॉग्स है तो ये देखिए लेता है कि नहीं, दिस हैंडल इजंट अवेलेबल, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डॉट करके देखते हैं कि अगर लेता है कि नहीं, ये भी नहीं है, एक और डॉट करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए शायद ये ले ले, देखिए ये भी नहीं ले रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल के देखते हैं, 1, 2, तो ये लेगा या नहीं यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ पर देखिए ये ले लिया, यानी कि मेरा ये चैनल हैंडल हो गया, यानी कि कोई भी अगर लिंक मेरा यूट्यूब चैनल का देखेगा तो यही उसको आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देखिए कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पर अपना लोगो चैनल का डालना है या आप अपना यहाँ पर फोटो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला इमेज है, ये वाला फोटो को यहाँ से लेते हैं। उसके बाद इसको देखिए क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर सेट एज प्रोफाइल पिक्चर,
या आप अपना यहाँ पर लोगो भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा, अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाते हैं, देखिए आ गया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और कैमरा का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि यूट्यूब चैनल आर्ट, यानी कि इसको बैनर बोला जाता है। दोस्तों मैं इसको पहले बना करके रखा हूँ चैनल आर्ट को, बैनर को। यहाँ से हम आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं, चूज फ्रॉम योर फोटो है, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए रिसेंट है, इसमें एक मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए बनाया था, इसी को देखिए यहाँ पर हम, ये देखिए आपको जूम करके यहाँ पर इसको सेट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेना है। दोस्तों अगर आपको ये भी नहीं बनाने आता है तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करके जो भी आपको यहाँ पर अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन डालना है, हिंदी में इंग्लिश में आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम अ, कुछ भी लिख देते हैं अभी हम आपको एग्जांपल के तौर पर, जैसे आई एम अ ब्लॉगर, जैसे मान लीजिए ब्लॉगर, यहाँ पर देखिए ब्लॉगर, यहाँ से आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखिए आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा आर्ट लग गया, यहाँ पर लोगो लग गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मोर अबाउट दिस चैनल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा चैनल का यहाँ पर देखिए जो हैंडल डाले थे लिंक यहाँ पर क्रिएट हो गया। मैं कब इसको क्रिएट किया हूँ आज के डेट दिखा रहा है, यहाँ पर बैक आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पेंसिल के बगल में यहाँ पर दिखा रहा है ये वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एनालिटिक्स दिखाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी आप वीडियो डालिएगा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ से जो एनालिटिक्स है अच्छा दिखेगा नहीं, वाई टी स्टूडियो यूज कीजिएगा, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसी आईडी से आपको वहाँ पे इसको लॉगिन कर लेना है, वहाँ से आप पूरा आप अपना वीडियो को मैनेजमेंट कर सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, ये फीचर्स भी आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैनेज वीडियो है, इसमें मेरा वीडियो है ही नहीं तो मैनेज क्या करेंगे। जब आपका वीडियो हो जाएगा यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, जिस पर ऐसे टाइप कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो डालने के लिए ऑप्शन दे रहा है, यू अपलोड अ वीडियो, गो लाइव, क्रिएट अ पोस्ट। लेकिन दोस्तों आपको अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है उसको आपको इनेबल करना है। दोस्तों उसको कैसे इनेबल करना है तो भाई उसको हम आपको ले चलते हैं सीधे गूगल क्रोम में और पूरा डिटेल बताते हैं कि भाई उसको कैसे इनेबल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम चलिए बैक आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बैक आने के बाद अपने गूगल क्रोम में पहुँचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम है, यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं पूरे। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर वाला में, यानी कि गूगल वाला में नहीं, नीचे आपको सर्च नहीं करना है, जो सबसे ऊपर लिंक देता है उसमें आपको लिखना है youtube.com, यहाँ पर देखिए .com, या आप लिख सकते हैं studio.youtube.com। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए गो का ऑप्शन देगा या सर्च का ऑप्शन देगा, मेरा एरो का ऑप्शन दे रहा था, मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लोगों के ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, डेस्कटॉप साइट में इसको ओपन कर लेना है, यानी कि कंप्यूटर मोड में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको लोगो दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यू योर चैनल है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल कस्टमाइज का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि हम अपना चैनल को कस्टमाइज करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लोज का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लोज करके नीचे यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, यही सेटिंग है सबसे इम्पोर्टेंट, इसी को आपको सेटिंग को ऑन करना है पूरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करके उसके बाद देखिए बेसिक इन्फो में आपको क्या करना है, कंट्री ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि जिस कंट्री में आप रहते हैं इसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस पर जैसे ही टैग कीजिएगा यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी आप देश में रहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कीवर्ड, यानी कि जो भी आपका चैनल है उसका कीवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे मान लीजिए अंजार खान ब्लॉग्स है तो मैं सिंपल यहाँ पर अंजार खान, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिख देते हैं अंजार खान ब्लॉग्स, उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको क्लिक कर देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ से अपना नाम से मिलता जुलता जो चैनल का नाम है, जैसे मान लीजिए अंजार, यहाँ पर लिख देते हैं अंजार खान, यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर डालना है, इसी से आपका चैनल सर्च लिस्ट में आएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलिएगा कि मेरा ये नाम से चैनल है तो वो सर्च करेगा तो आपका चैनल ऊपर आएगा, नहीं तो आपका नहीं आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर जो 500 कैरेक्टर तक आपको डालना है, अभी 31 कैरेक्टर तक डाले हैं, आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर आना है एडवांस सेटिंग में, हम आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बता रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर पूरा डिटेल आपको समझना है और देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डू यू वांट टू सेट योर चैनल
एज मेड फॉर किड, जैसे मान लीजिए हम इस चैनल को किसके लिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर दोनों वीडियो बनाते हैं बच्चा के लिए और बिना बच्चा के लिए, आपको जहां पर जो सेलेक्ट है आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, यानी कि हम रिव्यू करेंगे किसके लिए मेरा वीडियो है, तो मैं ऐसा यहां पर करूंगा। मान लीजिए हमारा ये वीडियो है बच्चा के लिए नहीं है, हम एडल्ट के लिए बनाते हैं, तो यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड, ये बच्चा के लिए है, लेकिन जो बीच वाला है इसमें आपको सेलेक्ट करना है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड, यानी कि हम ब्लॉग चैनल बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिएगा तो दोस्तों आपका वीडियो का कमेंट ऑन नहीं रहेगा, यानी कि आपको ऑफ रहेगा, बच्चा कमेंट लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सेटिंग दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फीचर एलिजिबिलिटी है, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फीचर जो है इनेबल दिखाएगा, लेकिन दोस्तों आपको नीचे जो है ना दो इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो नीचे देखिए एलिजिबल जो दिखा रहा है इसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अभी आज के डेट में हमारा ही दो चैनल डिलीट हुआ है शॉर्ट वीडियो का, अगर दोस्तों अगर ये कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनिजिबल जो है इस पर क्लिक करना है, यानी कि देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट फीचर में, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट, यानी कि कस्टम थंबनेल और लाइव स्ट्रीमिंग। दोस्तों अगर इसको इनेबल नहीं कीजिएगा तो 15 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आप नहीं डाल पाएंगे, उसके बाद थंबनेल नहीं लगा पाएंगे, अपने वीडियो पर कवर फोटो और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई फोन नंबर है, हम यहाँ पर करेंगे नहीं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारा नंबर में हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको हम यहाँ पर बस दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसे मान लीजिए हमको ऑप्शन दे रहा है गूगल क्रोम का, इसमें क्लिक करके यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग लेगा अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए टेक्स्ट में और वेरिफिकेशन कोड, यानी कि आपको यहाँ पर अपना जैसे ही मोबाइल नंबर इंडिया सेलेक्ट है, यहाँ पर जैसे ही आपका मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ से आपको उधर से OTP आएगा, यहाँ पर वेरीफाइड कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। बस हम आपको सिखा रहे थे यहाँ पर इनेबल करने के लिए, आपको कुछ नहीं OTP आएगा, यहाँ तो देखिए गेट कोड है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से दोबारा कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसमें बैक आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर वाला जो एलिजिबल करना है इसको भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए एडवांस फीचर, दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें 3 तरीका से कर सकते हैं, वीडियो वेरिफिकेशन है, वैलिड आईडी है, चैनल हिस्ट्री। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि चैनल हिस्ट्री के चक्कर में मत रहिए, ये 2-3 महीने के बाद आपको इनेबल हो जाता है, वीडियो आप डालते रहिएगा तो ये अपने आप इनेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी चैनल डिलीट हो रहा है इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि आप वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं या वैलिड आईडी। जैसे मान लीजिए वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे को दिखा नहीं रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर अभी हम फोन नंबर वेरीफाई नहीं किए थे। आपको कुछ नहीं करना है वीडियो वेरिफिकेशन में, जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ईमेल आईडी जो ये वाला है इस पर भेज देगा, वहाँ पर आपको अपना फोटो के साथ यानी कि ऐसे ऐसे करके ऑप्शन देगा ऐसे करने के लिए, वहाँ पे वेरीफाइड कर लीजिएगा तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वैलिड आईडी है जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड, इसी को आपको स्कैन करके लगा देना है, ये 24 घंटे के अंदर में आपका यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूँ कि आपको वैलिड आईडी वाला ये आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि भाई मेरे को बहुत सारा चैनल क्रिएट किया हुआ है और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होता नहीं है, मेरे पास वैसा मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए। उसके बाद ये सब आपको करने के बाद ये पूरा आपको कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर तीनों आपका इनेबल हो जाएगा, 2 तो अभी इनेबल हो जाएगा और आपको 24 घंटे के बाद 3रा वाला जो एडवांस फीचर था वो आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से पूरा सेटिंग कर लिया है, उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपको बताता हूँ। अपलोड डिफॉल्ट में आपको आना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फो में आप अगर चाहते हैं कि कुछ हम पहले से टाइटल डाल के रखें तो आप टाइटल डाल सकते हैं, या अपना यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में बार बार आपको करना नहीं पड़े, यानी कि अपना चैनल का नाम का हैशटैग तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंजार खान ब्लॉग्स है तो हैशटैग अंजार खान ब्लॉग्स यहाँ पर हम टाइप करके डाल सकते थे, लेकिन हम अभी फिलहाल में ये सब करेंगे नहीं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेटिंग उसको देखना है, विजिबिलिटी, यानी कि दोस्तों आपको अनलिस्टेड में यहाँ पर हमेशा रखना है, यानी कि जब आप यहाँ पर पहले आप अपना वीडियो में टैग सब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तब जाकर के आपको वीडियो पब्लिक करना है YT स्टूडियो से जाकर के, यानी कि डायरेक्ट आपका पब्लिक नहीं होना चाहिए, पूरा टैग यानी कि अच्छे से SEO करने के बाद आपको यहाँ पर आपको वीडियो को छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग है, इसमें आना है, उसके बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैटेगरी,
यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये अभी जो चैनल बनाया है ब्लॉग का है, तो यहाँ पर देखिए हम ब्लॉग वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पीपल एंड ब्लॉग्स वाला। जो भी आपका कैटेगरी होगा जिस नीच पर आप वीडियो बनाते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पीपल एंड ब्लॉग्स है, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हैं, कोई बंदा है वो ब्लॉग्स देखता ही नहीं है, तो उसके पास यूट्यूब भेजेगा तो आपका वीडियो देखेगा? नहीं देखेगा। इसलिए आपका चैनल पर व्यूज नहीं आएगा, आपका यहाँ से आपका वीडियो में कुछ ग्रोथ नहीं होगा, चैनल में कुछ ग्रोथ नहीं होगा, आपका चैनल वहीं पर रह जाएगा, आप कितना ही वीडियो डालते रहिए। इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना कैटेगरी यानी कि अपने नीच के हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे बड़ा बात है कि वीडियो लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हिंदी वीडियो है, तो मैं ऑडियंस खोजूंगा हिंदी देखने वाला। मान लीजिए इंग्लिश सेलेक्ट रहेगा या कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, तो वे पूरे वर्ल्ड में वीडियो दिखाएगा। मान लीजिए मेरा वीडियो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बहुत सारा इंग्लिश कंट्री में, या मान लीजिए बांग्लादेश में बंगला वाला के पास अगर चला जाए, तो भाई मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा। इसलिए यहाँ पर चैनल डेड हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि पूरे सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप कंट्री में रहते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका लैंग्वेज है, यहाँ पर देखिए हिंदी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, दोस्तों इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है। जो हम लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं क्या चीज़ में, इंग्लिश में जनरली सर्च करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सर्च में करना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंडिया है, यही हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए कमेंट ऑन वाला ऑप्शन दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यहाँ पर देखिए नीचे आपको सेव कर देना है। इस तरीका से आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटिंग तो ऑन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी वीडियो स्किप करके नहीं जाइएगा, आपको अभी पूरा कस्टमाइजेशन पूरा डिटेल समझा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सब काम हो गया, तो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए चैनल कस्टमाइजेशन में आ गए लेआउट में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वीडियो स्पोर्ट लाइट्स में, यहाँ पर देखो हाइलाइट्स दिखाएगा हमको, जैसे चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब। दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा चैनल है, इसमें अगर मेरे को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर मेरा वीडियो जाएगा, तो जो यहाँ पर जो सबसे अच्छा वीडियो होगा उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे, उसको उसके पास जाएगा, तो भाई उसको अच्छा लगेगा, तभी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा ना। तो यहाँ पर आपको चैनल ट्रेलर ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर ऐड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको नीचे वीडियो दिखा देगा, लेकिन हम क्लिक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर मेरा कोई भी वीडियो अभी अपलोड ही नहीं है। जब आप यहाँ पर वीडियो अपलोड कर लीजिएगा फिर तो दोबारा इसको ओपन करके यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फीचर्स वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, जैसे मान लीजिए कोई सब्सक्राइब करके आपको रखा है, बार बार अगर उसके पास कौन वीडियो जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके जब आप वीडियो अपलोड कर लीजिएगा उसको आपको यहाँ पर दोबारा दूसरा वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूअर्स, फॉर यू यहाँ पर दिखा रहा है कि भैया आप क्या क्या इसमें करना चाहते हैं। फीचर सेक्शन है, जैसे शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखें ऐड सेक्शन है, इसमें क्लिक करके जो भी जैसे पॉपुलर वीडियो आप पहले दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, तो पॉपुलर वीडियो अगर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो पॉपुलर दिखाएगा। लाइव नाउ, जो लाइव वाला होगा तो उसको यहाँ पर देखें, सिंगल प्लेलिस्ट है और क्रिएट प्लेलिस्ट है, मल्टीपल प्लेलिस्ट है, यानी यहाँ से आप प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं अपने वीडियो को अलग अलग तरीका से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये सब अभी नहीं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बताऊँगा, ये बाद में आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रांडिंग का ऑप्शन दे रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमको दिखा रहा है पिक्चर, यानी कि यहाँ से आप रिमूव और चेंज कर सकते हैं, अपना चैनल का लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल आर्ट यानी कि बैनर जो है मैं यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। उसके बाद देखिए वीडियो वाटरमार्क, ये यहाँ पर है अपलोड में, जैसे कर लीजिएगा जैसे अपना लोगो यहाँ पर डाल सकते हैं, आपका हर वीडियो में लोगो दिखेगा परमानेंट के लिए, तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक इन्फो, यानी कि दोस्तों बेसिक इन्फो में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो नाम है यहाँ पर हमको दिखा दिया चैनल का नाम, यहाँ से भी अपना चैनल का नाम यहाँ पर एडिट हम कर सकते हैं। हैंडल जो दिखा रहा है जो हम लिए थे वो डिस्क्रिप्शन में हम आराम से यहाँ से पहले हम लिख करके रखेंगे, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ऐड लैंग्वेज है, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखिए चैनल URL, जैसे आप चैनल क्रिएट करते हैं तो जितना भी ये URL है इसको आप लिख करके कहीं पे रख लीजिए, हो सकता है आपका चैनल कभी डिलीट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस URL से आपको उसको दोबारा वापस ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कोई भी सोशल मीडिया का लिंक अबाउट सेक्शन में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड लिंक है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मेरा इंस्टाग्राम है,
तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद इंस्टाग्राम में जा करके वहाँ से उसका जो कॉपी होता है लिंक यहाँ पर ला करके इसमें आपको टैप कर देना है। जैसे मान लीजिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं एक ऐड करके, ये बहुत ही शानदार हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको अपना चैनल को ग्रो करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम इंस्टाग्राम में पहुँच गए हैं, उसका दोस्तों यहाँ पर हम जैसे लोगों पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए शेयर प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉपी लिंक है, यहाँ पर कॉपी करने के बाद बैक आने के बाद यहाँ पर हम आने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको हम जो समझा रहे हैं देखिए, उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए और हमको यहाँ पर लिंक डालना है, जैसे मान लीजिए हमको कोई यूट्यूब चैनल और बनाया है तो यहाँ पर ऐड लिंक करेंगे तो फिर से मेरे को क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब बार बार आपको ऐड लिंक करेंगे तो 4 से 5 हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसे 5 का था लेकिन अभी कुछ बढ़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डाल नहीं रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऊपर आना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पब्लिक ऑप्शन दे रहा है नहीं, क्योंकि मैं अभी क्रिएट नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा ये दोबारा आ गया, हम इसमें भी कुछ डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर कुछ भी अभी डाल दे रहे हैं और यहाँ पर एक और लिंक दे देते हैं, क्योंकि इसीलिए मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा है। सेम लिंक हम डाल के दिखा रहे हैं कि पब्लिक करने के लिए कि कैसे पब्लिश आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पब्लिश का ऑप्शन आ गया, यानी कि जैसे ही पब्लिश कर लीजिएगा आपका यहाँ पर चैनल कस्टमाइजेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीका से YouTube चैनल पूरा डिटेल आपको बताए हैं कि कैसे बनता है। उसके बाद दोस्तों अभी भी आपको वीडियो नहीं डालना है, दोस्तों अगर आपको सही से वीडियो नहीं डालने आएगा तो अब पर भी आपका यहां पर सब्सक्राइबर या व्यूज नहीं आएगा। उसके लिए दोस्तों एक और वीडियो मैं बनाया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहां पर इन स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, उसको आपको पूरा डिटेल आपको जाके देखना है। दोस्तों अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।